प्रातः क्लास चल रहा था 8 मार्च 1968 शुक्रवार को तीसरे पेज के मध्याध में बात चल रही थी कि जो बाबा हमको मिला हुआ है वो सभी आत्माओं का बाबा है। आत्माओं का तो बाप है लेकिन शरीर में प्रवेश करता है मकर रथ में, अर्जुन के मकर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके बाबा भी बनता है। शरीर के साथ है तो बाबा है, शरीर बिगड़ है तो आत्मा है। आत्माओं का बाप है बाबा नहीं, कहेंगे सुप्रीम फादर। रथधारी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि ये बात तो कभी कोई ने नहीं सुनी होगी, मैं जब आता हूं तो तुमको सब नई बातें सुनाता हूं और नए किस्म से पढ़ाई पढ़ाता हूं। तो पुराना वही पुरानी रस्म रिवाज चला दी, साकार कृष्ण को देवता को भगवान बनाई दिया, 16 कला संपूर्ण को। अभी उनकी तो बात ही नहीं, ये तो निराकार बाप की बात है जो पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के पुरुषोत्तम संगम की कृष्ण के द्वारा सारे बच्चों को लाड़ प्यार देते हैं। फिर ऐसे भी नहीं कि मैं तुमको सिर्फ अभी पढ़ाता हूं, इस चतुर्युगी के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग में पढ़ाता हूं, नहीं, हर 5000 वर्ष के बाद, जबकि ये 4 युगों की 4 सीन की ड्रामा पूरी होती है और कलयुग अंत होता है, सतयुग की आदि आने वाली होती है, तब मैं आता हूं। आकर के तुम मीठे मीठे बच्चों को पढ़ाता हूं और ये कोई नई बात भी नहीं है। मैं तुम मीठे बच्चों को कल्प कल्प हर चतुर्युगी के अंत में आकर पढ़ाता हूं और तुम ही बच्चों को आकर के पढ़ाता हूं। और ड्रामा में मेरा ही पार्ट है तुम बच्चों को पढ़ाने का, और तो कोई धर्म पिताओं का ऐसा पार्ट नहीं है, है जो ये नॉलेज दे सके नई नई तरह की, सारे सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है ना, वो तो कोई भी धर्म पिता के पास नहीं है। A to Z अव्वल नंबर जो गाया हुआ है मुसलमानों ने, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, उससे लेकर के और अंतिम तक अंतिम धर्म पिता, वो धर्म पिता भी नहीं, वो तो अधर्म पिता है नास्तिक धर्म का। तो दूसरा कोई का ऐसा पाठ नहीं है। तो ये बैठ तुमको पढ़ाते हैं, फिर तुम आत्मा में बैठ शरीर के द्वारा पढ़ती हो, है
ये मुख के द्वारा सुनती हो, समझा। और ये गाया हुआ है, गौ मुख, तो देखो माता को गौ कहते हैं, तुम्हारा ये मान भक्ति मार्ग में तुम्हारा मान है देवियों का बहुत, इसलिए तो देवियों की पूजा होती है। क्यों मान है? पवित्रता की बात है, क्या होती है नवरात्रों में, क्योंकि देवियों द्वारा ही ये शुरू होते हैं। षष्ठी के आदि मध्य अंत की बातें है, इनका फाउंडेशन इन देवियों के द्वारा पड़ता है। तो अभी वो देवियां भला कौन सी हैं? तो ये भी तो देवी है ना, वास्तव में तो इसको भी देवी कहते हैं। किसको है? ब्रह्मा नाम है ना, बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, तो देवी हुई ना, क्योंकि ये बड़ी माँ है सब माताओं में बड़ी माँ है। हाँ, जो भी तीन मुख्य माताएं हैं ना, देवी के रूप में है, ब्रह्मा की सरस्वती है, विष्णु भगवान की लक्ष्मी और शंकर की पार्वती। तो ये उन तीनों देवियों को अपने में संगठित कर लेता है। कौन? दादा लेकर आज ब्रह्मा तो सबसे बड़ी माता हुई ना। अब क्योंकि माता पिता साथ में बोला जाता है ना, तो उसको सिर्फ पिता कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि तन तो पुरुष का है ना, है? उनको माता पिता दोनों नहीं कह सकते। हाँ, माता पिता फिर इसको कहा जाए, किसको है? माता और पिता दोनों किसको कहा जाए? इसको, इसको माने एक को या इनको? हाँ, एक को कहा, कौन से एक को है? मंदिर में जाके गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, शिवलिंग जाके सामने जाके बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के, तुम मात पिता हम बालक तेरे, समझे ना बच्ची? क्योंकि बाबा इस माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। कौन सी माता के द्वारा है? कौन सी माता के द्वारा? हाँ, जिसको कहते हैं मूल रूप में परम ब्रह्म। तो बच्चे हो ना तुम, तो हैं बच्चे, और हैं तो तुम शिव बाबा के बच्चे, तो तुमको शिव बाबा कैसे अडॉप्ट करते हैं?
है तुमको, पुरुष को और स्त्री को। बच्चे बच्चे कहते हैं तो देखो कितनी ये गुह्य बातें हैं, और तुमको ये गुह्य बातों का राज समझाते हैं कि मैं तुमको ये जो गुह्य बातें समझाता हूं कि बच्चे मैं हर 5-4 वर्ष के बाद जबकि सृष्टि का चक्कर फिरना होता है, फिरता है, तो अभी सृष्टि का चक्कर भी तुम्हारी बुद्धि में है और दुनिया वालों की बुद्धि में थोड़े ही कोई ये सृष्टि का चक्कर है। नहीं, ये जो भी एक एक अक्षर सुनते हो बिल्कुल ही नया नया ज्ञान सुनते हो और नए के द्वारा सुनते हो। है कैसा नया, किसके बीच में नया है? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा सुनते हो। तुम ये जानते हो अंदर में अच्छी तरह से कि ये हमारा बाबा है। अभी बाबा तो कह दिया ना, और बाबा तो सभी कहते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं ना। अभी अगर उसमें कहते हैं कि ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर तो ज्ञान देंगे ना, है? उसको ही नॉलेज कहा जाता है जो वो एक ज्ञान सागर बैठ करके नॉलेज देते हैं। बाकी अनेक मनुष्य गुरुओं की नॉलेज को कोई ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेक से आता है, और वो अनेक चाहे कोई भी ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके सहयोगी धर्म पिता है, तो उनको नहीं कहा जाता है कि वो नॉलेज देते हैं। नहीं, वो तो जो भी देते हैं वो अज्ञान ही सुनाते हैं। तो ये बाबा जो देते हैं उसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि बाबा में रूहों का बाप आकर के प्रवेश करते हैं तो वो बाबा कहा जाता है, तो वो ही ज्ञान का सागर है। देखो हम कहते हैं ना कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो वो बाबा का शरीर तो नहीं है ना जिसको हम ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर भी तुम आत्मा कहती हो बाबा। देखो अच्छी तरह से ये बुद्धि में धारण करना है, और इसमें बहुत ही विचार की बात है। ये बात अंतर्मुख होकर करके एकांत में बैठ करके जब तुम इनको विचार सागर मंथन करेंगे तभी तुमको खुशी का नशा, खुशी का पारा चढ़ेगा।
विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है सदाकाल का खुशी का पारा चढ़ना, क्योंकि यहां तो सुनते हो मन बुद्धि से और मन बुद्धि बाहर गई और भूल गया, और भूल गया तो फिर रिपीट ही नहीं किया। तो जो चीज रिपीट नहीं की जाती है वो चीज कोई ठहरती थोड़ी है, है? तो तुम देखो बहुत बच्चे हैं जो रिपीट करते हैं, और देखो बहुत रिपीट करते हैं। देखो ये बच्ची रिपीट करती है, ये जो जयपुर का नायब है असिस्टेंट टीचर है, अनुभवहीन है कहेंगे, तो वो तो समझते हैं बड़ा टीचर तो बाबा है, शिव बाबा है, अभी वो हमको टीचर बनाते हैं, ज्ञान का टीचर, वो अकूट ज्ञान का भंडारी है ना, सागर भी तो अकूट गहराइयों वाला होता है ना, तो जो टीचर बनाते हैं तो बनने वाले कोई बनते हैं, कोई तो फिर नहीं बनते, क्योंकि बच्चों में कोई कच्चा है कोई पक्का है। तो ये तो स्कूल है, स्कूल में तो कोई कच्चे पक्के बच्चे होंगे ना स्टूडेंट के रूप में, तो जो अच्छी तरह से समझाते हैं ये तो बाप जानते हैं, ये जो बच्ची है ना है, ये जो आत्मा है, ये बच्ची फिर कहेंगी है ना, कौन सी, अरे किसी की तरफ इशारा किया होगा, कोई की तरफ इंट्रोड्यूस किया ना, ये बच्ची है, आदि लक्ष्मी बच्ची की तरफ इशारा किया, हाँ ये जो परा प्रकृति है ना, किसकी परा प्रकृति, शिव बाप की परमपिता है ना, तो परमपिता की दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति पांच तत्वों का संगात, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है, वो है अपरा प्रकृति, माने परे थे परे नहीं है, लेकिन उससे भी परे है पृथ्वी जलवायु अग्नि के आकाश का जो क्षेत्र है, ये तो पृथ्वी के आसपास ही है ना, चारों पांचों जो जड़ तत्व हैं उनसे परे बहुत परे, जहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, कहां, हाँ जिसका नाम है परम ब्रह्म, तो वो परम ब्रह्म वो भी क्या कहेंगे, जड़त्वमयी है या चैतन्य है, क्या कहें, कलयुग अंत में आकर के वो भी तो आत्मा क्या बन जाती है, जड़त्वमयी बन जाती है ना,
तो यही कहेंगे जड़ भूत बुद्धि तो बच्चा बुद्धि है ना, क्योंकि वो खुद भी तो शरीर के बंधन में है ना, शरीर के अंदर है कि नहीं, शरीर के अंदर है। हाँ ये है कि ये अच्छा पढ़ाती है माना, फिर अच्छा कैसे पढ़ाती है कि इसको पता लग गया ना कि मैं आत्मा हूं, मैं देह है नहीं हूं, तो आत्म की स्थिति में रह करके पढ़ाती है, तो इनको अच्छा पढ़ाते हैं ये बड़ी खुश होती है। कौन पढ़ाते हैं इनको अच्छा, जो सुप्रीम सोल बाप है ना परमपिता, इनको अच्छा पढ़ाते हैं है? तो अच्छा पढ़ाते हैं तो ये बहुत खुश होती है, क्यों है? अच्छा पढ़ाते हैं तो इसको लगता है कि जरूर मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। क्या लक्ष्य है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो ये बोलता है कौन, कौन बोलता है, ब्रह्मा बाबा है? ऐसे बाबा के पास तो हमको ले चलो जो पढ़ाते हैं। कैसे बाबा के पास है? ऐसे बाबा के पास जो आत्माओं के बीच में सबसे पहले आत्माओं का ग्रैंडफादर बनता है, क्योंकि ग्रैंडफादर के रूप में है, जो भी लौकिक पिता हुए वो सभी लौकिक पिता सभी धर्मों के वो अपने धर्म पिता को बाबा मानते हैं कि नहीं है? तो देखो बाप है तो कोई बच्चे का बाप होगा, बच्चे का बाप लौकिक बाप, और लौकिक बाप कोई भी धर्म का हो तो अपने धर्म पिता को है? बच्चे के लिए क्या हुआ, बच्चा कहेगा ना बाबा है? तो कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के पास तो हमको ले चलो जो पढ़ाते हैं। कैसे बाबा के पास है? हमको पढ़ाते हैं, हमको माने कि नको, और चारों मुखदारियों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं ना, तो चार मुखदारी कोई चार शरीर भी तो होंगे कि नहीं, नहीं होंगे हाँ, तो चार शरीरधारी जो चार मुख हैं आत्मा हैं, जो अर्जुन के रथ में चार घोड़े दिखाते हैं ना सफेद सफेद है, तो ऐसे बाबा के पास हमको ले चलो और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई? जो हम मनुष्य को है नर से ऐसा नारायण बनाई देते हैं। तो ये वंडरफुल बात हुई ना, बहुत वंडरफुल बात हो गई कि ये सतयुग के आदि में ये आए कहां से, कौन है? अब तुम बच्चों को तो पता चल गया कि सतयुग के आदि में जो सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है उसके आदि में ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि षष्ठी में आदि में सागर में कृष्ण आया पीपल के पत्ते पर, तो ये आए कहां से है? अरे इनको जन्म देने वाला कोई होगा ना कि ऊपर से बच्चा टपक पड़ा है, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं क्या ऊपर से आत्मा स्टार रूप में आती है और नीचे इस सृष्टि पर आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन जाती है, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो किसको भी ये मालूम नहीं है कि ये सतयुग के आदि के 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण है
कहां से आए, जो बचपन में राधा कृष्ण के रूप में है कहे जाते हैं। देखो कुछ भी मालूम नहीं है, है इसको भी मालूम नहीं जो चक्कर में ही 84 के चक्कर में आता है, किसको किसको नहीं मालूम। अरे एक अक्षर लिख दो जल्दी से, कागज पेंसिल परीक्षा बुक ही फेंक देते ब्रह्मा को, हा इस ब्रह्मा को भी मालूम नहीं है जो 84 के चक्र में 84 जन्मों के चक्र में आता है। तो अभी मालूम पड़ा है ना, क्या है? मालूम पड़ा है तभी तो ये बात आई है कि वो बच्ची से कहता है कि हमको भी उस बाबा के पास ले चलो। किस बाबा के पास? जो हमें सारी सृष्टि के अति मध्यंत की नाले समझा दे। और सन्मुख समझावे।